बेटा बाबू जुए में मर जाएंगे रगड़ रगड़ के। बेटा बेटा रहम कर लो बेटा। नहीं बेटा जुए मर जा, तुम ऐसी खुश आती हो क्या? दिखाओ तुम्हें जू है भी कि तुम ऐसे ही फर्जी काम किया करती हो। दिखाओ जरा, लिखे लिखे हैं। कितनी सीधी बच्ची है तुम, हंसो मत यार। कितनी अरे रहन दे बेटा रहन दे, दिखा दिखा, देखते तो दे, रुक जा देखने दे। बाल तो तेरे अच्छे हैं, कुछ भी नहीं है। खिंचा लो खिंचा लो बेटा, इधर देख के खिंचाओ जरा बेटा। बच्चे की स्माइल देखो जरा, ध्यान से देखिए इस लड़की को, इसके सर में जो खिलाखुलाटियां मार रहे हैं, सर्कस कर रहे हैं। उसकी टी शर्ट में भी खुजली वाला पोज बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके खुजलाने वाला। आज मैं आपको ना अपनी फैमिली के बारे में एक बहुत खास बात बताऊंगी कि हमारे घर में जो भी रिलेटिव्स आते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर कोई आया है तो उसे जेंट्स पर्सन को पहले खाना सर्व किया जाता है। मेरे पापा कहते हैं कि अगर हमारा परिवार एक है तो एक साथ बैठ करके खाने में क्या दिक्कत है। तो मतलब एक साथ बैठ करके खाने में आप एक दूसरे से बातें शेयर करते हो, बच्चे साथ होते हैं, लेडीज साथ होती हैं, मतलब जो खाना बना रही हैं वही अकेले खाना बैठ करके खाएं, ये क्या तरीका है? तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जब साथ में बैठ करके सब खा रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ इंजॉय कर रहे होते हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं, तो मतलब एक बड़ा ही अच्छा माहौल बनता है, एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है। और आपने कई बार मेरे व्लॉग्स में देखा होगा शायद, मेरे रिलेटिव्स जितने भी आपने देखे होंगे आए हैं, मामा जी के बच्चे हो या कोई भी, तो वो सबके सब खाना साथ में ही हम खाते हैं। तो जैसा आपने अभी देखा ही व्लॉग में कि चाची भी साथ में बैठी हैं, चाची खाना सर्व कर रही हैं और चाचा भी बैठे हुए हैं, हम सब चाचा के साथ बैठे हुए हैं, पापा भी खाना खा रहे हैं साथ में। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि डिस्टेंस में रहना है, बस लिमिट अपनी अपनी पता होनी चाहिए, बाकी परिवार जब तक साथ ना हो तब तक क्या ही मज़ा है। तो ऐसा मेरे पापा बोलते हैं और हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं और ऐसा ही कोऑर्डिनेशन हमारा है फैमिली के बीच में। और अभी यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं कटहल के अचार की, क्योंकि चाची जी को बहुत टेस्टी बनाना आता है कटहल का अचार और चाचा जी एफर्ट कर रहे हैं, वो पूरा पूरा का पूरा कटहल था और चाचू ने ही काटा है। यही तुम लोग की तो। अरे चाचा करो जल्दी से, हम बॉडी बिल्डर है। हाँ चाचू बॉडी बिल्डर है, देखिए दोस्तों। मीठू तू हट जा बेटा, मेरी उंगली ना कटवा देना। काटो चाचू, रुक जाओ, जाओ मीठू जाओ, हाथ पकड़े होंगे इसका। नहीं बेटा, मेरे प्यारे चाचू इतने प्यारे हैं, देखो। तो नील्स चाचू ने काट दिए हैं मेरे और अब यहाँ घोरी शाम की तैयारी, क्योंकि शाम को गेस्ट आ रहे हैं। कौन है वो आप व्लॉग में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आज नॉनवेज बनना है, तो यहाँ तैयारी चल रही है काली मिर्च चिकन की, और साथ ही साथ शाम का टाइम हो गया तो चाय का भी टाइम हो गया है, तो हमने सोचा चाय भी बना लें साथ में। आ जाओ आप लोग भी पी लो। इधर आओ जरा, दिखाओ ना थोड़ा, मतलब प्यारा सा फेस। किसने लगाया बेटा ये? अरे नमस्ते नानी को, नमस्ते करो। नहीं चाचा जी की दीदी भी आ रही है जस्ट अभी। जाओ मिलो जाके। हाँ तो मेरी आपने तो मैं रोगों को
मसाले, नमक कम है मगर स्पाइसी ज़्यादा है। स्पाइसी थोड़ी खट्टा पीसर कर पड़ेगा ना। नहीं नहीं नमक ठीक है, ठीक है ना, तो चूसने का भी तो गलेगा ना। हाँ नहीं ठीक है, पड़ा ही है ना ठीक। थोड़ी सी हल्दी और डाल, मेरे हाथ गंदे इसलिए। आज हमारी चाची जी कटहल का चार रख के जा रही है। अब जब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो पता ही है आपको क्या होता है, धमा चौकड़ी मस्ती है। तो बस यहाँ पे निशु, मोमो और रोशीन वगैरह सब खेल कूद में लग गए, और दीदी आई थी तो दीदी के पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे, तो मम्मी यहाँ दीदी की पैरों की मालिश कर रही हैं। यू नो माँ माँ ही होती है कितना भी हो, और मेरी मम्मी वैसे बहुत अच्छी हैं, सभी की मम्मी अच्छी होती हैं, ऐसी बात नहीं है। मीठू कितना बिजी होकर के बच्चों के साथ वो देख रही है, कैसे निशु तुम्हें लग तो नहीं रहा, तुम थक गए होगे ना। टीवी देखने में लगे पड़े, और यहाँ देखो कैसे गप्पे लगी पड़ी हैं, बाप रे यहाँ सब गप्पे लड़ाए पड़े हैं। मीठू भैया के लग सकता है, छोटी देख वो कॉन्फिडेंट नहीं हो रही है, तभी बैठ नहीं रही, उसे डाउट से लग रहा है। अरे भैया लड़की बैठने वाली है, ए ए ए नो नो, मीठू बैठ जाओ, बैठो सिट डाउन, ए ए ए नहीं उसी के साथ बैठना उसको। अरे पीछे तो पकड़ मत, पकड़ मत, अपने आप बैठ जाइए। उसे कॉन्फिडेंस फील नहीं आ रहा है, उसे पता है कि खच्चर के ऊपर बैठ गया। ए ए ए मेरे डोले में जा दो, और हाथ ऐसे कर देती, ये लोग तुम डर जाते हैं चाचू, जाने गरम नहीं है, डर देखो चाचू। अब मैं एक ऐसी चीज लेकर आऊंगी, आप लोग उसमें डांस करोगे और एक गाना चलेगा तमंचे पे डिस्को, मैंने बोला मैंने देख परी निशु अभी मैं दीदी को ना तमंचे पे डिस्को करा दूंगी, परी ने जो देखा परी ने घूमना शुरू कर दिया, निशु को इतना मजा आ रहा है। अरे तुम जाओ तो एक बार बिचारी का देखो मुंह लटक गया है, कितनी वो हो रही है बिचारी अपसेट से। तुम बोलोगी ना तो बात बन जाएगी, तो रोने वाली मुझे लगता है। चाचू ये कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या
अच्छा बोलो 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 क्या? नहीं बेटा लॉस हो रहा है। मैं तो कल परसों ही आई हूँ, स्कूल खुलना होगा और रात में आंसू आ रही होंगी, प्रोजेक्ट ही पूरा आ गया सारा। चलो 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 मतलब अभी 10 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए इसको, देख रहे हो? तो लाओ ये 500 वाला हमको दे दो, 10 रुपए ले लो पापा को। बाय चाचू, चाचू जी बाय। कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को आज का ये ब्लॉग, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के